नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हमारे पास एक रिपोर्ट है, FIIs कब भारतीय बाजारों में लौटेंगे। आपको पता ही है, इनके निकास करने से मार्केट डामाडोल हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है। FIIs कब भारतीय बाजारों में लौटेंगे? डॉलर की मजबूती और अमरीकी बॉन्ड में तेजी के मद्देनजर FPIs भारत में इक्विटी बाजारों से निवेश निकाल रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं। अक्टूबर के महीने से इक्विटी बाजार में विदेशी निवेशक शुद्ध बिकवाल बने हुए हैं। इस महीने 13 नवंबर तक 18,077 करोड़ रुपया निकाल चुके हैं। अक्टूबर के पूरे महीने में 91,983 करोड़, लगभग 92,000 करोड़ की बिकवाली की थी, शेयरों की बिकवाली। अमरीकी बॉन्ड यील्ड अभी 4.40% पे है। रुपए का अवमूल्य होने से भारतीय बाजारों में से यील्ड और भी कम हो जाती है। ऋण बाजार के एक सेक्शन का कहना है कि 1 या 2 महीने में निवेश की निकासी स्थिर होने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय बाजार अभी भी अट्रैक्टिव है। बिकवाली कब थमेगी, समय सीमा निर्धारित करना मुश्किल है। अमेरिका के नए प्रशासन के कारण बिक्री ज्यादा हुई है, कंपनियों के तिमाही नतीजे भी अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन 1-2 महीने में उथल पुथल थम जाएगी। इससे बाजारों में भारत की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। शुक्रवार को प्रकाशित मूडी ने अपनी रिपोर्ट में बुलेटिन में कम होती महंगाई और सॉलिड ग्रोथ से भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छे दौर में होने की बात कही है, और सॉलिड वृद्धि दर की भी बात करी है। वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया है दिसंबर तक। तो ये तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है। जो ट्रेडर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो हैं, अभी थोड़ा दूर रह सकते हैं। बाजार से 1 साल या अधिक के लिए इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। इट्स अ वाइज स्टेप टू इन्वेस्ट योर सरप्लस फंड्स एट करंट टाइम टू गेट बेनिफिट ऑफ बियरिश मार्केट, ऐसा हमारी टीम का अनुमान, टीम का कहना है। एथनॉल और देसी विदेशी शराब बनाने वाली कंपनी का स्टॉक आज हम लेकर आए हैं। Q2 के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और वैसे भी स्प्रिट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अल्कोहल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। विस्तार योजनाएं हैं कंपनी की, 1 साल में 218% का रिटर्न दिया है, 2 साल में यहाँ से 2 गुना हो सकता है शेयर, लगभग 1500 रुपये। तो हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया, लाइक कीजिए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर की। पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड PAIL कंपनी हरियाणा में एक विनिर्माण संयंत्र में चीनी और डिस्टिलरी उत्पादों के निर्माण में लगी है। कंपनी को चीनी खंड, चीनी, गुड़, बिजली, कोई से 43% आय होती है। यह मिल नवंबर से अप्रैल तक चलती है, लगभग 160 दिन तक। डिस्टिलरी देसी शराब, शराब श्रेणी, माल्टा तथा मार्शल रम का उत्पादन किया जाता है। भारत में निर्मित विदेशी शराब IMFL कंपनी गोल्ड बिंग्स विस्की, बिस्लर विस्की, कामेट सिंगल माल्ट विस्की, इंद्री ट्रीनी सिंगल माल्ट विस्की, केमिकारा रम और रॉयल आइलैंड विस्की का उत्पादन करती है। माल्ट प्लांट भी है इसका, इसमें माल्ट स्प्रिट का उत्पादन करने वाले स्प्रिट का उत्पादन किया जाता है। एथनॉल कंपनी भी बनाती है। एथनॉल कंपनी अनाज ENA से इथेनॉल का उत्पादन भी करती है, जिसे विभिन्न तेल कंपनियों की को आपूर्ति की जाती है। अनकोटेड शेयरों में निवेश भी कर रखा है कंपनी ने, उसमें गुड मॉर्निंग इंडिया में 3 करोड़ और पिकेडली होटल्स में लगभग 40 करोड़। हरियाणा में इंद्री में माल्ट उत्पादन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए 1000 करोड़ रुपये की निवेश योजना है। जैसे मैंने बताया, इसकी निवेश योजनाएं बहुत बड़ी हैं। इस निवेश से छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक नए संयंत्र की स्थापना और स्कॉटलैंड के
पोर्टा बड़ो में पेल की पहली अंतर्राष्ट्रीय डिस्टिलरी के विकास में मदद मिलेगी। सितंबर 2024 में पीएआईएल ने प्रमुख निवेशकों से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 262 करोड़ प्राप्त किए हैं, जिसमें प्रमोटरों ने 50 करोड़ अतिरिक्त योगदान दिया है। तो दोस्तों ये इसका बिजनेस मॉडल था, तो काफ़ी अच्छा है बिजनेस मॉडल। तो अब हम इसके फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं। मार्केट कैप 6,800 करोड़ है, बुक वैल्यू 64 रुपये प्रति शेयर है, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लाइड 29.60% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30.60% है, यानी कि कैपिटल पर रिटर्न है जो वो 30% के करीब है और इक्विटी पर रिटर्न 31% के करीब है, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स पेश कर रही है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 110% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जो बहुत अच्छी लाभ वृद्धि है। यूनाइटेड स्प्रिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज इसकी पेयर कंपनीज हैं। यूनाइटेड स्प्रिट्स 73 पर और यूनाइटेड ब्रेवरीज 105 के पी पर मिल रही है। पिकेडली एग्रो है जो वो 66 के पी पर मिल रही है। सेक्टर पी लगभग 80 है। कंपनी ने सितंबर तिमाही के नतीजे पेश किए हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स इसके कंपैरिजन है जो सिर्फ और सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ ही हो सकता है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो सीजनल हैं। जैसे 160 दिन ही चलती है, वो तो लास्ट के दो क्वार्टर ही हुए, लगभग दो क्वार्टर में ही आ जाती है। तो इसलिए इसका कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ ही किया जा सकता है। तो सितंबर 23 और सितंबर 24 की हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सेल 114 करोड़ से 185 करोड़ हो गई, OPM 21% से बढ़कर 23 करोड़ हो गया, नेट प्रॉफिट 11 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो गया। सेल, OPM, नेट प्रॉफिट तीनों में ही अच्छी इंक्रीज है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट सीजनल है, इसलिए इसकी कंपैरिजन इसके कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर से ही की जा सकती है। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ है जो इसकी 15% है, प्रॉफिट ग्रोथ 70% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की है जो एवरेज वो 20% है, TTM है 31% है, यानी कि पिछले साल काफ़ी बड़ी है। CAGR स्टॉक प्राइस तो बहुत ही बेहतरीन है, 202% है, जो हम 10-12% भी बहुत समझते हैं। शेयर कैपिटल 94 करोड़ की है, रिजर्व 509 करोड़ के हैं, बोरिंग 209 करोड़ की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 100 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ की है, बैलेंस शीट मजबूत है, अच्छी है। कैश फ्लो प्लस 11 करोड़ है, कैश मैनेजमेंट अच्छी है, हेल्दी है, इसका पॉजिटिव कैश फ्लो का होना 11 करोड़ बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग 70.97% है, लगभग 71%, FII 0.88% है, DII 0.03% है, पब्लिक के पास 28.13% है, लगभग 71% की होल्डिंग होना बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की किसी चीज़ में भी, कोई डेट टू इक्विटी है जो वो भी मैनेजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आगे विस्तार योजनाएं भी हैं, उस हिसाब से पैसा भी है कंपनी के पास। अब हम पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर प्राइस पर चर्चा करेंगे, देखते हैं इसके शेयर प्राइस कैसे हैं। दाम 720 रुपये है, 52 वीक हाई एंड लो 910 रुपये और 210 रुपये है, EPS 13.29 रुपये है, P54 है, सेक्टर P80 है। तो यह कंपनी स्कॉटलैंड में 58 एकड़ भूमि पर अपनी अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के साथ ग्लोबल डिस्टिलरी लगाने वाली पहली कंपनी है, अगले 5 वर्षों में यह मल्टीनेशनल कंपनी बन जाएगी, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं, बाजार एक्सपर्ट। सभी मापदंडों पर उत्कृष्ट परिणाम है, यह शराब बनाने वाली बेस्ट कंपनी हो सकती है। इसका आज भी मुकाबला अच्छी बड़ी कंपनियों के साथ ही होता है। सिंगल माल्ट विस्की इंद्री बिशप में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है, 2 साल तक लगातार सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड रहा है, 1 साल में 218%, 3 साल में 2385%, 5 साल में
9,980% लगभग 10,000% का रिटर्न दिया है। अब इसकी फोरकास्टिंग कंपनी द्वारा दी गई फोरकास्टिंग भी देखेंगे। एक साल की फोरकास्ट उसने 917 रुपए दी है, 5 साल की 1632 रुपए दी है। ये पिछली हिस्ट्री पर निर्धारित होती है। अगर ये अच्छी प्रोग्रेस दिखाती है तो ये 5 साल वाली तो कई गुना भी हो सकती है। हमारी टीम का अनुमान है शेयर 2 साल में 1500 रुपए तक चला जाएगा, ऐसा हमारी टीम का अनुमान है। कोई भी अनुमान तो अनुमान होते हैं। तो दोस्तों, आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें और हमारा डिस्क्लेमर भी पढ़ लिया करें। तो दोस्तों, आप समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।